मार्च ट्रैक्टर मार्च निकाल रही है। ये ट्रैक्टर लेकर हम गांव गांव 40-50 गांव आज बटाला हल्के के हम निकालेंगे और एक संदेश देंगे कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। किसान, अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो ये पंजाब खुशहाल नहीं रहेगा। देश में एक संदेश यहाँ से जाए कि पंजाब का हर व्यक्ति, चाहे वो किसानी से तल्लुकात रखता है चाहे वो किसानी से तल्लुकात नहीं रखता, लेकिन हर व्यक्ति किसानों के साथ है। क्योंकि हर चीज़ अगर पंजाब की कोई होंद है तो वो किसानों से है। अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो हमारा कारोबार, हमारी आड़त की दुकानें, हमारे सेलर, हमारी कॉटन फैक्ट्रियाँ, बाजारों में रौनकें, ये ख़त्म हो जाएगी। और आज ये हम बीजेपी की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर किसानों की लड़ाई। सर, हरियाणा में देखा कि ड्रोन हरियाणा से पंजाब टेरिटरी में आके आसू गया, छोड़े जा रहे, मीडिया भी बैठा है, कि किसान मारे भी गए हैं, तो पंजाब सरकार का रोल काम कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत सिंह मान जी को धमका रखा है, उन्होंने बिल्कुल, वो घुटने कहते हैं ना, घुटने टेक दिए। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आपने कहा कि ड्रोन हमारी सर जमीन पर आके हमारे लोगों को मारा जा रहा है और अथरु गैस की आड़ में गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति हमारा मर गया, अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को उठा के लेकर मैं कल उनको मिलकर आया हूँ, प्रीतपाल सिंह जी को, जिनको मारा पीटा, रस्सा गले में बांध दिया। अब पुलिस रोहतक उठा के ले गई थी, PGI में जेरे इलाज है। मैं मिलकर आया हूँ उनके माँ बाप को और उनको। तो मेरे कहने का मतलब, मूक दर्शक बन के सरकार, मुख्यमंत्री साहब देख रहे हैं जिन तमाम लोगों को चोट लगी है, जहाँ जिन तमाम लोगों की आंखें गई हैं, जहाँ बंदे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, वो FIR दर्ज करनी चाहिए। हमने कंप्लेंट, मैंने अपने नाम से SP जो हमारे संगरूर के, उनको दी है। अब ये नया एक सगुफा छोड़ दिया गया कि ज्यूरिडिक्शन जो हरियाणा की थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से कि अगर पंजाब का व्यक्ति कलकत्ता जाके मर जाए, उसका कोई मर्डर कर दे, क्या FIR नहीं करोगे? कोई FIR नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब आराम से सोए हुए हैं, कहते हैं हमने मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा तो हमारा ही पैसा है, आम जनता का पैसा, पंजाब के लोगों का पैसा, जो हम टैक्स से इकट्ठा करते हैं, उसका मुआवजा दे दिया। और 2 करोड़ से शुभकरण वापस नहीं आएगा, 2 करोड़ रुपए से शुभकरण वापस नहीं आएगा। किसानों को एक टैग लगाया गया था, खालिस्तानी के ट्रैक्टर को टैंक कहा गया था। आपके सामने किसानों की नहीं, एक IPS ऑफिसर, किसानों को तो खालिस्तान कहा जा रहा है, एक IPS ऑफिसर जो कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, बीजेपी की कार्यकर्ता, उनके गले में पट्टा था बीजेपी का, उसने रोकने की कोशिश की तो और एक IPS ऑफिसर पगड़ी वाले को कहा कि तुम खालिस्तानी हो। आपने वीडियो देखा होगा, पूरे देश में ये कह दिया कि जो पगड़ी वाला है वो खालिस्तानी है, क्योंकि ये RSS की विचारधारा है। हमें खालिस्तानी कहेंगे तो पोलराइजेशन करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे। ये राजनीति है भाजपा से पहले से रही है, बल्कि इनको आपस में बिखेरो यार। हिमाचल की हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे ना पंजाब की गल, हिमाचल की गल, ऐसे तरह लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। इवें चंडीगढ़ किया सी सुप्रीम कोर्ट ने, की क्या कि बिल्कुल दिन दिहाड़े लोकतंत्र का एक कत्ल है, ये नहीं होएगा। उन्होंने साडे कौंसलर भाजपा शामिल करा लिया, लालच देके, डरा के, धमका के वो शामिल हो गए। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिता, गिनती पुरानी कराई और दोबारे उठे मेयर जिहड़ा सांझा मेयर बनिया। सो मेरे कहने का मतलब, वही हिमाचल च है, हर जगह धन दौलत का, मनी मसल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिहड़ा देश वास्ते ठीक नहीं है। आने वाले समय च मेरा खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, आम लोगों को, बेचारे को भुगतना पड़ेगा। यह थोड़ी है कि लोगों ने किसी को चताया, उन्होंने डरा धमका के तुम दूजे पास ले, एवं इतने हो रहा है। सरपंचा नूं डराया जा रहा है, ब्लाक समिति मैंबरां नूं डराया जा रहा है, कांग्रेस का जिहड़ा झंडा लाउंदा उन्हूं कहिंदे तैनूं अंदर दे देंगे। भाजपा की मंशा की जी, मंशा की होनी है, देश को लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, आपका राज स्थापित करना चाहते हैं, इनू कोरिया बनाना चाहते हैं, रशिया बनाना चाहते हैं, चाइना बनाना चाहते हैं। और एक बार जो
ਉਹਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।